करंट अफेयर्स 14 सितंबर 2021। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक्स आर्मी पर्सन, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स यानी 14 सितंबर 2021। और आज कुछ स्पेशल डे भी है, तो आज के हमारा जो भारतीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी दिवस भी आज ही है 14 सितंबर को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सफलता के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो हमारी सफलता के लिए हमें क्या होनी चाहिए, सफलता की जो इच्छा है आपकी, वो असफलता के जो डर है आपका, भय है, उससे क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो क्योंकि इम्पॉसिबल में आपका पॉसिबल जो वर्ड है वो छुपा रहता है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं यहाँ पे। ऑन विच डे नेशनल हिंदी दिवस इज ऑब्जर्व इन इंडिया। इंडिया में जो नेशनल हिंदी दिवस है कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाएगा आज के दिन यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब ये हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है, ये 14 सितंबर 1949 से लागू हो रखा है कि इंडिया में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। और वैसे इंटरनेशनल हिंदी दिवस की बात करें तो वो कब होते हैं, आपका 10 जनवरी को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका, हु हैज वॉन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता, ये आपने जीता है डेनियल रिकार्डो ने, जो कहा के आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे इनकी इमेज भी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, Who has won 2021 US Open Men's Single Title? तो Men's Single Title में US Open किसने जीता हुआ है? ये जीता आपका डेनिल मेडवेडेव ने, जो कि कहाँ के हैं, रशिया के, और ये यहाँ पे इनकी इमेज है। ऐसे आप वुमन की बात करेंगे तो वुमन सिंगल में किसने जीता है US Open 2021, उनका नाम है आपका, ये देख लीजिए उनकी इमेज यहाँ पे, और नाम है ईमा राडुकानू, जो कि यूके से बिलोंग करती हैं। उन्होंने क्या वुमेन्स यूएस ओपन सिंगल जीता हुआ है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, इंडिया लार्जेस्ट ओपन ईयर फॉर्मली विच हैज द मिक्स ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयस एज वेल एज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स ओपन इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर फॉर्मली बनाया गया है, वो आपका कहाँ पे है, वो है आपका उत्तराखंड में आपके रानी गेट में ऊपर ओपन फॉर्मली बनाया गया है। और ये किसके लिए, मैक्सिमम किसके लिए, स्पाइसेस के लिए ये बनाया गया है, जो कहाँ से, वो कहाँ से लिया जाएगा, वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय से, जो भी औषधि और स्पाइसेस मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस टू सेलिब्रेट पेरियर्स बर्थ एंड एनिवर्सरी एज सोशल जस्टिस डे के रूप में, कौन से स्टेट ने जो सोशल एक्टिविटीज थे पेरियर्स उनके बर्थ एनिवर्सरी मनाने का अनाउंस किया है, वो आपका है तमिलनाडु। और तमिलनाडु का ये 17 सितंबर को मनाने का इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, और किसके उसमें, रामास्वामी परिवार के उसमें, जो एक है सोशल एक्टिविटीज थे। और इनके सीएम यहाँ के तमिलनाडु के सीएम कौन हो जाएंगे, एम के स्टालिन। इसको हम कैसे ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे याद करेंगे हम कि तमिलनाडु है और उनके सीएम कौन है, स्टालिन है। तो तमिल मतलब तू मुझे मिल, जब आप कोई आपको बोलता है तू मुझे मिल, तो आप कैसे बन के जाते हो, बिल्कुल स्मार्ट बन के जाओगे ना आप, ऐसे तो बन के जाओगे नहीं, आप कैसे बन के जाओगे, स्मार्ट बन के जाओगे। तो तमिल से हो जाएगा तू मिल, और स्टालिन से हो जाएगा स्टाइल। तो आप स्टाइल से किसी को मिलने जाओगे तो ऐसे हम ट्रिक लर्न कर सकते हैं आप, तमिलनाडु के जो सीएम है वो एम के स्टालिन। नेक्स्ट है आपका, साहित्य अकादमी विनर अजीत हसनी अवॉर्डेड इन 2013
13 फॉर हिज बुक, उनके उनके बुक के लिए क्या साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था अली हजनी को 2013 में, उनकी कौन सी बुक के लिए? तेज बाजार, तेज बाजार के लिए मिला था। एंड इन 2016 में भी इनको मिला हुआ है फॉर किस, फॉर किताब खान खाने, किताब खाने के लिए मिला हुआ है। ये क्या इनके पास कर रहे, ये क्या इनका एक्सपायर हो गए, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से बिलोंग करेंगे? अजीज हजीनी बिलोंग करेंगे आपके जे एंड के से, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे। उनकी बुक भी आप याद रखना चाहिए आपको, उनकी बुक कौन थी? तेज बाजार के लिए उनको क्या मिला था 2013 में? साहित्य अकेडमी अवार्ड, और 2016 में किताब खान खाने के लिए। नेक्स्ट आपका भूपेंद्र भाई पटेल हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, कौन से स्टेट के न्यू चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड किए गए हैं? कौन? भूपेंद्र भाई पटेल को, वो कौन है? गुजरात। कैसे टिकट के माध्यम से हम इसको याद करेंगे? कैसे? गुजरात, गुजर जाए वो रात, सभी चाहेंगे वो रात गुजर जाए जो, जिसमें क्या भूत, मतलब भूत, जिसमें भूत आते हैं वो क्या करेंगे यहाँ पे? वो रात गुजर जाए सभी ये चाहते हैं। तो गुजरात के जो नए सीएम कौन रहेंगे? भूपेंद्र भाई पटेल हो जाएंगे यहाँ पे। तो कोई इसके लिए नाराज नहीं होगा कि क्योंकि ये टिकट के माध्यम से हम बना रहे हैं, बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं किसी का नाम के साथ कोई छेड़खानी करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजीत अखनोज, अजीत अखनोज हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट, कौन से कंट्री है जिसके अजीत अखनोज को उनके प्राइम मिनिस्टर बनाया गया? तो आप आंसर हो जाएगा आपका मोरक्को, मोरक्को के नए जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए वो कौन है? अजीत अखनोज को बनाया गया। मोरक्को हो गया यहाँ पे, और ये देख लीजिए ये वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन मोरक्को, ये हमारा यहाँ पे हो गया प्यारा भारत, और ये आपका मोरक्को यहाँ पे हो गया। अल्जीरिया, यहाँ पे अल्जीरिया भी है, वेस्टर्न सहारा भी है, और स्पेन आपका इस साइड आपका स्पेन पड़ रहा है, और यहाँ पर क्या है टूनिशिया यहाँ पे है, तो यहाँ बीच में आपका क्या पड़ेगा? आपका मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु हैज रिलीज His new book, Back to the Root, Back to the Root, Back to the Root, कौन सी बुक किसने रिलीज की है? वो है आपका किसका? तमन्ना भाटिया। किसका है? तमन्ना भाटिया। तो इसके ट्रिक के माध्यम से अगर आपको ये लर्न करना है, क्वेश्चन में अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि ये बुक किसकी है, बैक टू द रूट, तो बैक टू द रूट हम इसको ट्रिक के माध्यम कैसे याद करेंगे? तमन्ना, हमारे तमन्ना क्या होती है? रूट से बने हुए फ्रूट, हमारे तमन्ना होती है फ्रूट खाने की, सबकी सभी की इच्छा होती है क्या फ्रूट खाने की, सभी की इच्छा हो जाती है, तो रूट से हो जाएगा फ्रूट, और फ्रूट खाने की क्या होती है? तमन्ना, सभी की इच्छा तमन्ना होती है। तो किसकी बुक ये बैक टू द रूट जो बुक है नई रिलीज हुई है वो किसने किसकी है? वो तमन्ना भाटिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड द प्रोग्राम ऑफ एल्डरली पीपुल विद द कंट्री, एलडरली पीपुल के लिए जो कौन सी मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम एलडरली पीपुल के लॉन्च किया वो किसने किया? आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको शुरू किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंटर ऑफ द इंडियन टीम फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2021, को किसको इस यहाँ पे इलेक्ट किया है T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए? टीम इंडिया का जो मेंटर के लिए वो किया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो आप इस कैसे याद कर सकते हैं यहाँ पे इसको टेक्निक से, यहाँ पे मैन मैन यहाँ पे है मैन टर्म में मैन है, और यहाँ पे महेंद्र में हैन है, यहाँ पे मैन हैन, मैन का हैन, मैन का क्या हो जाएगा? हैन हो जाएगा। तो ट्रैक करेंगे याद करने की ट्रिक है, मेंटोर क्या हो जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी, और वैसे एम से मेंटोर, एम से महेंद्र भी याद कर सकते हैं आप इस ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु हैज टेकन ओवर एज द न्यू डीजी ऑफ बीएसएफ, बीएसएफ के नए जो डीजी हैं वो किसको बनाए गए हैं? तो पंकज कुमार सिंह हैं, उनको बीएसएफ के नए डीजी बनाया गया है। किसको बनाया गया? पंकज सिंह, पंकज कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, HPCL हैज ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांडेड स्टोर हैप्पी शॉप इन विच सिटी,
कौन सी सिटी में जो HPCL है, हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसने किस सिटी में अपना हैप्पी शॉप स्टार्ट किया हुआ है? तो वो आपका किया है आपका मुंबई में। ये देख लीजिए यहाँ पे इनकी, यहाँ पे इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका INS, विच INS हैज बीन अवार्डेड, कौन सा है, विच INS हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया है, कौन से INS को दिया गया है? वो है INS हंस को दिया गया है। यहाँ पे किसको दिया गया? INS हंस। और यहाँ से याद करने के लिए ट्रिक क्या है हमारी, INS हंस। हंस क्या होता है? हंस का जो है कलर बहुत ही अच्छा होता है। किसका कलर अच्छा होता है? हंस का कलर अच्छा होता है। तो यहाँ से हो जाएगा हंस और यहाँ से देख लीजिए कलर। तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो राष्ट्रपति की तरह दिया जाता है वो किसको मिला हुआ है? INS हंस के द्वारा। ये यहाँ पे INS हंस यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इंडियन ओरिजिन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट में कौन से ऐसे इंडियन ओरिजिन ऑस्ट्रेलियन है जिनको वहां पे अपॉइंटेड किया है एज ए जज? तो किसको यहाँ पे अपॉइंट किया है? ये आपका क्या है, हेमंत धनजी को यहाँ पे किया है। वो ये देख लीजिए यहाँ पे इनकी इमेज है, हेमंत धनजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द यूनाइटेड स्टेट एक्सपर्ट हैज स्टार्टेड द डिस्कवरी ऑफ द ओल्डेस्ट आइस ऑन विच कॉन्टिनेंट, कौन से जो कॉन्टिनेंट में जो यूनाइटेड स्टेट एक्सपर्ट है उनको क्या मिला हुआ है, डिस्कवरी किया उन्होंने किसका, ओल्डेस्ट आइस का। वो ये जो ओल्डेस्ट आइस है वो बहुत ही पुराना है। यहाँ पे ये देख लीजिए उसकी इमेज है, कौन से अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में इनको ये यहाँ पे मिला हुआ है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में। और अंटार्कटिका कहाँ पे, ये यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे लेटा हुआ जैसे कोई रहता है तो वैसे यहाँ पे अंटार्कटिका आपको शो कर रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए इसके ऊपर ये हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु हैज वॉन द US ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल, किसने जीता है? जैसे मैंने ऊपर पढ़ा है क्या है, इमा राडुकानू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इमा राडुकानू। ये इनकी इमेज यहाँ पे इनका, इमा राडुकान जो कहाँ से बिलोंग करती हैं, UK से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जिसको क्या बोलेंगे, DCGI, हैज अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट DNA वैक्सीन अंगेज COVID-19 फॉर इमरजेंसी यूज। DNA एक्चुअली ये जो आपका कौन ये वैक्सीन है वो किसके लिए होती है, DNA वैक्सीन के लिए होती है। और इसका यूज इमरजेंसी यूज COVID-19 में किया जाएगा, उसके लिए अप्रूव यहाँ पे मिला हुआ है। तो उसका नाम क्या है, जाइकोट, क्या नाम है इसका, जाइको, इसका नाम है जाइकोव-डी, क्या नाम है, जाइकोव-डी। ये क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट प्लास्मिड DNA वैक्सीन फॉर COVID-19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच हाईवे हैज बिकम द फर्स्ट ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे इन इंडिया। फर्स्ट ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे इंडिया में कौन है, दिल्ली टू चंडीगढ़ है, कौन है, दिल्ली टू चंडीगढ़। यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स आज के पूरे होते हैं 20, और यहाँ पे होमवर्क दिया जा रहा है आपको, इन क्वेश्चन को जरूर करें और या तो कमेंट में इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। होमवर्क आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हु हैज बीन कन्फर्ड द इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड फॉर 2021। तो यंग इको हीरो अवार्ड फॉर 2021 किसको मिला हुआ, यहाँ पे इसका आंसर देना आपने। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली इंडिया टॉलेस्ट एयर प्यूरिफिकेशन टावर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन डैश स्टेट, कौन से स्टेट में यहाँ पे इंडिया टॉलेस्ट एयर प्यूरिफिकेशन लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैज रिसेंटली चेयर्ड द 13th ब्रिक्स समिट ऑन 9 सितंबर 2021। किसने यहाँ पे क्या किया, 13 ब्रिक्स समिट को क्या 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 यहाँ पे चेयर किया हुआ है, उसका आंसर आपने देना है यहाँ पे। इन इंडिया रैंकिंग 2021 डैश हैज कम एट द फर्स्ट पोजीशन इन ओवरऑल कैटेगरी एज वेल एज
in engineering for the third consecutive year. तीसरी बार भी किसको, कौन से जो आईआईटी यहाँ भी है जिसको क्या क्या इसमें फर्स्ट रैंकिंग मिली है, वो उसका आंसर आपने यहाँ पे देना है। पांचवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द मैं भी डिजिटल 3.0 कंपेन, कौन सी मिनिस्ट्री ने मैं भी डिजिटल 3.0 कंपेन शुरू किया और किसके लिए शुरू किया, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करके देना है। अगर आपको इसमें कोई डिफिकल्ट आएगी तो कल के करंट अफेयर्स में इसकी हम बात करेंगे, आप कमेंट में जरूर इसका आंसर दें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो में जितनी भी ट्रिक्स बताई गई हैं, चाहे वो सीएम से रिलेटेड हैं या किसी और के नेम के पर्टिकुलर से रिलेटेड हैं, उसको ज़रूर आप ट्रिक को याद करने की कोशिश करें। आप इस ट्रिक से करें या अपनी बनाई कोई ट्रिक से करें, पर आप जरूर ट्रिक के माध्यम से याद करें, क्योंकि वैसे याद करोगे तो ये वास्ट सिलेबस है तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ट्रिक के माध्यम से आप याद करें। तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें, और हमारे चैनल टेक विद अतुल ज्ञान के लिए इसको सपोर्ट करें। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को अगेन नेशनल हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद।